नमस्कार, आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं नंदिता आपके साथ। खराब किडनी की जगह सही किडनी निकालने वाला मामला में धनखड़ हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ कलेक्टर चिन्मय गोपाल का निर्देश पर सीएमएचओ 30 मई ने एफआईआर दर्ज करवाई है और आज बने गुजरात को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि डॉक्टर धनखड़ मामला के उजागर हुआ के बाद वो फरार हो गया है। तो एसपी डॉक्टर ने गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम को गठन करो और आज पुलिस आरोपी डॉक्टर ने गुजरात को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल पवन चौबे बताया कि आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ ने गिरफ्तार कर लिया हां और अभी बाने कोर्ट में पेश कराया जाए। आपने बता दिया जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल गलत ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर संजय धनखड़ को राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए चिकित्सा विभाग ने पत्र भी लिखो है, साथ ही धनखड़ हॉस्पिटल ने भी सीज कर दी गयी है और हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल को रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला को खुलासा करने के लिए इन उजागर करने के लिए कलेक्टर टीम को गठन करा है, बट टीम जांच करी तो डॉक्टर दोषी पाया गयो। तब मरीज ईद बानो का पर्चा बयान के आधार पर 30 मई ने मामलो दर्ज हुए हो। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही मानी गई है। जांच में सामने आयो हो कि डॉक्टर संजय धनखड़ किडनी निकालता वक्त नियमा को पालन नहीं करियो हो। एनेस्थेटिक की गैर मौजूदगी में भी मरीज ने एनेस्थीसिया दिया है। कलेक्टर 5 डॉक्टरों की टीम बनाई, बट टीम जांच करी तो जांच में और भी कई सारी लापरवाहियां को खुलासा हुई है। जांच में एक जो बड़ी बात सामने आई है वह आ है कि डॉक्टर संजय धनखड़ खुद जनरल सर्जन है, जबकि किडनी को ऑपरेशन करता वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट की राय ली जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गन जुड़े मामलो हो, पर वे कोई की भी राय शुमारी नहीं ले रही और खुद ही सीधे ऑपरेशन करके संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाल दी। एक और बात जो ध्यान रखबा वाली ही बा ही कि किडनी निकालने के बाद मेरी बायोस भी करवानी चाहिए, पर डॉक्टर संजय धनखड़ बा ही नहीं करवाई और सही किडनी निकालने के बाद बेबी ने ट्रे में रख दी, जिम बा किडनी भी संक्रमित होगी। अभी बड़ी लापरवाही है। कमेटी मान्यो है कि डॉक्टर धनखड़ संक्रमित किडनी के स्थान पर सही किडनी निकाल दी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर ने कोर्ट में पेश कराया जाए। आगे ही मामला में जो भी अपडेट मिली वह आप तक पहुंचाता रहेगा। मामला से जुड़ी हर एक अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको झुंझुनू।